हेलो दोस्तों, फिर से लेकर आए आप लोगों के लिए एक धमाकेदार वीडियो। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एलजी डिशवॉशर का पूरा रिव्यू और इसका करेंगे हिंदी में भी हम डेमो। सबसे पहले हम करेंगे इसका रिव्यू, उसके बाद करेंगे इसका हिंदी में डेमो। जो फंक्शन आपको चलाने नहीं आते, अगर आप समझना चाहते हैं उन्हें हिंदी में, तो आप इस वीडियो में बने रहिए, आप ही के लिए वीडियो बनाया है दोस्तों। और सबसे पहले हम कर लेते हैं इसका रिव्यू, फिर करते हैं हम इसका डेमो हिंदी में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। जैसे ही आप मशीन के पास जाते हैं, यहाँ पर देखने मिलती है एलजी की ब्रांडिंग लोगो आपको, पावर बटन उसके जस्ट बराबर में देखने को मिलता है। बीच में मिलते हैं कुछ फंक्शन कीज और इसके बाद मिलता है आपको राइट साइड में स्टार्ट बटन, जो कि बिल्कुल एंड में दिया है, लेफ्ट साइड में पावर बटन। ओवरऑल मशीन को अगर देखते हैं तो मशीन कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। यहाँ पर लेफ्ट साइड राइट साइड से अगर देखते हैं तो पूरा स्टील मेटल यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा खासा कलर देखने को मिल जाता है इसका, और ये स्टील कलर में हमारे सामने भी है। और ऊपर से अगर बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। मॉडल इसका है DFB424FP। तो इसकी करते हैं पूरी रिव्यू। मशीन को जैसे ही खोलते हैं आप, इस तरीके से कुछ डोर इसका नीचे की साइड को खुलता है और अंदर कुछ मिलती है हमें रैक्स, दो रैक्स ही देखने को मिलती है। इसमें काफ़ी अच्छे खासे बर्तन आपको आने वाले हैं अंदर, यानी कि आप रख सकते हैं काफ़ी अच्छे खासे बर्तन, और जो है इसके अंदर कर सकते हैं बर्तनों की धुलाई। देखिए कुछ इस तरीके से आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं बटन दबाकर ऊपर नीचे की साइड में, तो यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए दिए हुए हैं। और इस तरीके से रोलर जो है कि आप एक ड्रॉअर में देखते हैं अंदर बाहर करने के लिए, उस तरीके से बिल्कुल इसमें भी जो है आपको अंदर बाहर करने के लिए आसानी से यहाँ पर लगी हुई मिल जाती है रोलर टाइप में रैक्स, जो कि आप आसानी से बाहर को खींच सकते हैं, आसानी से अंदर की साइड कर सकते हैं। देखिए बर्तन हमारे पास कुछ इस तरीके से हैं, गंदे जो कि हमने खाए पिए बर्तन है। अगर आप मशीन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है यार, गंदे बर्तन ही इसके अंदर धोएंगे, साफ बर्तन तो कोई भी नहीं धोता है। तो उस तरीके से हमने भी रख लिया इसके अंदर कुछ गंदे बर्तन। इस तरीके से आप इसे सेट कर सकते हैं, बिल्कुल हम आपको दिखा रहे हैं हर एक चीज़ को सेट करने का तरीका। इसमें हर एक चीज़ को फंसाने के लिए यहाँ पर खांचे भी दिए हुए हैं, और यहाँ पर स्टील बर्तन भी हैं। देखिए किस तरीके से गंदे हो रखे हैं। और अगर इस पर कुछ लगा हुआ है, चावल वगैरह या कोई सब्जी ज़्यादा लगी हुई, तो उसे आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हटाकर यहाँ पर रखें, ताकि मशीन के अंदर जो है कोई चीज़ फंसी ना रह जाए। जितना आप केयर से चलाएंगे उतनी ज़्यादा जो है यहाँ पर आपको मशीन लाइफ देगी आगे तक, और आपको काम करके दिखाएगी। कुछ तरीके से गंदे बर्तन देखिए, एक एक हम आपको दिखा रहे हैं और रख रहे हैं। चम्मच लगाने के लिए यहाँ पर जो है, यानी कि स्पून से लगाने के लिए कुछ अलग से रह गया, दे रखिए फंसाने के लिए ऊपर की साइड, ताकि इन जाल के नीचे से निकल कर चम्मच बाहर को ना जाए। इसलिए जो है यहाँ पर इसे फंसाने की यहाँ पर रख दी हुई है। प्लास्टिक बर्तनों को इस तरीके से हम रख देते हैं, और जो है आपको सब कुछ एक एक बर्तन यहाँ पर दिखाएंगे हम। और इस तरीके से यहाँ पर प्लेट्स भी आप फंसा सकते हैं, जैसे कि हम फंसा के आपको दिखा रहे हैं। इसलिए दिखा रहे हैं दोस्तों आप लोगों को, ताकि आपको अच्छे से समझ में यहाँ पर आ जाए। हर चीज़ को फंसाने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ दे रखा है, तो आप इसे जो अच्छे से फंसाएं। प्लेट देखिए कितनी गंदी यहाँ पर हो रखी है, इसे हम लगा देते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, ताकि इधर उधर ये हिले नहीं अंदर। हालांकि हिलने जैसा कुछ इसके अंदर है नहीं, पानी का फवारा पड़ता है और स्टीम वगैरह करती है, उसके बाद धुलाई करती है। लेकिन फिर भी हम टेढ़े मेढ़े बर्तन यहाँ पर रखेंगे तो वो पलट भी सकते हैं। अंदर से देखें तो कुछ इस तरीके से स्टील में हमें देखने को मिल जाता है अंदर की साइड से, और जो है नीचे की साइड एक आर्म से दे रखा है बिल्कुल जस्ट ऊपर वाली रैक के नीचे। तो इस आर्म को जो है घुमा के देख लेंगे, टकरा तो नहीं रही है आपस में कहीं। अगर ये टकरा रहा होगा जाल से तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करेगा, इसे फ्रीली घूमना बहुत ही जरूरी। ऊपर वाला आर्म से जो है टू उसमें ही बना हुआ है, यानी कि दो ही इसके अंदर आर्म से दिए हुए हैं। इसके साथ में दो, यानी कि जिसे हम एक तरीके से पंखा बोलते हैं, वो दो ही दिए हुए हैं। और नीचे वाले की बात करते हैं तो नीचे वाला जो है सबसे नीचे लगा हुआ है यहाँ पर, और इसमें जो है हमें फोर पंखे देखने को मिल जाते हैं, चार पंखे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि पानी का फुहारा काफ़ी अच्छे तरीके से मारता है। तो इसमें जो है कुछ सब्जी वगैरह भी हमारी गिरी हुई है, और देखते हैं क्या इसे भी साफ कर देता है। पूरे इसमें गंदगी हो रखी है, तो क्या ये पूरा ही साफ करता है, पूरा देखेंगे। मशीन को करते हैं हम जल्दी से स्टार्ट, और स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे इसके बाहर के ओपन, जो हमने ढक्कन को ओपन किया था उसे कर देंगे कुछ इस तरीके से बंद यहाँ पर, और ये लीड हो चुकी है इसकी बंद। और यहाँ से पावर को करेंगे ऑन, पावर ऑन होते ही मशीन कुछ आवाज़ करती है, और आवाज़ करती है अभी हम फिलहाल इसे चलाएंगे टर्बो मोड पे, यानी कि एक्सप्रेस मोड पे हम इसे चलाने वाले हैं टर्बो पे। और हमने यहाँ पर टर्बो सेलेक्ट कर लिया है, यानी कि आपके घर में कुछ जल्दी का काम हो तो आप टर्बो सेलेक्ट कर सकते हैं, और स्टार्ट यहाँ पर कर देनी है। टर्बो को सिलेक्ट करने के बाद 38 मिनट्स का एक टाइम खुद ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगी, और सेलेक्ट करने के बाद जो है बर्तनों को धोना ये अंदर से स्टार्ट कर देगी। जो भी इसे चाहिए होगा सर्फ वगैरह, मतलब इसके अंदर जितने भी हमने लिक्विड्स डाल रखे हैं, वो चीज़ के लिए वीडियो हम आगे आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी हम इसका जो है डेमो और आपको रिव्यू दिखाने वाले हैं। इस तरीके से यहाँ पर 24 मिनट बचे हैं, और इसे खोल के हम देखते हैं क्या क्या काम करते हैं। देखिए यहाँ पानी किस तरीके से चारों तरफ फैल गया है, बर्तनों को काफ़ी अच्छे तरीके से अभी तक धुलाई पर ले आई है, और क्या सब साफ हो गया है। साफ तो हमें दिखाई दे रहा है ऊपर वाली रैक में, हमने देखा नीचे वाली रैक में भी साफ दिख रहा है, लेकिन पानी अभी हमें थोड़ा सा यहाँ पर गंदा देखने को मिलना है।
तो पानी अभी मशीन के अंदर है और ये पानी को पूरा ख़त्म कर देगी। कुछ तरीके डब्बे अगर सीधे रखेंगे आप तो उसके अंदर पानी बढ़ जाएगा। हमेशा डब्बे को नीचे लिटा के रखें, हालांकि प्रेशर से भी जो है टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। जैसे ढक्कन को हम बंद करते हैं यानी लीड को बंद करते हैं तो हमें स्टार्ट और पावर बटन किसी चीज़ को दबाने की जरूरत नहीं, मशीन खुद से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप बटन को दबाएंगे तो जो है मशीन दोबारा शुरू हो सकती है, इसलिए बटन को न दबाएँ। और यहाँ पर अभी हमारे पास 9 और 8, अब 8 मिनट हमारे पास बचे हैं यानी कि लास्ट का टाइम इसका चलना है। एक बार फिर से खोल के देख लेते हैं मशीन को क्या ही अंदर हो रहा है। फिर से वही सेम कंडीशन देखने को मिली है, सर्फ वगैरह सब कुछ देखने को मिल रहा है। अभी भी पानी यहाँ पर साफ नहीं हुआ है और डब्बा हमारा फिर से सीधा हो गया है, हमें पानी भर गया है। तो देखिए अंदर कितना यहाँ पर पानी अभी भी देखने को मिल रहा है। और जो है धुलाई मशीन जो है कर रही है, काफ़ी टाइम मशीनें लेती हैं, यही बस इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा ले लेती है। 38 मिनट है एक्सप्रेस मोड पर, अगर हम नॉर्मली मोड पर चलाते हैं तो ये 1.5 से 2 घंटे भी यहाँ पर ले लेती है। फिर से कर दिया हमने मशीन को स्टार्ट, आप बचे हमारे पास 3 मिनट। 3 मिनट्स के बाद जो है मशीन यहाँ पर करती है ड्रेन यानी कि पानी को बाहर निकाल देती है, और ये बाहर निकालने में इतनी स्पीड दिखाती है कि बहुत ही जल्दी निकाल देती है। आप देखिए एकदम से ड्रेन कर दिया हमारे पहुँचने तक। 2 मिनट यहाँ पर बचे हैं, आप कर रही है सुखाने का काम अंदर की तरफ, जिसे हम अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे और ओपन करेंगे इसे 2 मिनट के बाद में। एक ही 1 मिनट बचा है और 1 मिनट के बाद ये जो है सीधे बर्तनों को सुखा देगी। अब ये सुखाना शुरू कर दिया होगा, अंदर देखते हैं कितना ही सुखा दिया होगा इसने। तो ये थी मशीन की साउंड, किसी तरीके से जब एंड करती है तो काफ़ी अच्छी साउंड ये देती है। अगर आप दूर भी हैं मशीन से तो आपको ये इंडिकेट कर देगी कि आपको बता देगी कि हम जो है बंद हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से इसके अंदर से भाप निकलती है जब आप इसे खोलते हैं, इतनी गर्मी होती है कि भाप कितनी उड़ रही है ऊपर। बर्तन हर एक यहाँ पर साफ दिखाई देगा और पानी का दूर दूर तक नाम यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, हालांकि भाप के साथ उड़ना है। हमने एकदम से खोल दिया है, थोड़ा सा आपको प्लास्टिक के बर्तनों में इस तरीके से पानी देखने को मिलेगा। कांच और स्टील के बर्तन ये काफ़ी अच्छे से धोती है, थोड़ा प्लास्टिक में यहाँ पर व्हाइटपन आपको देखने को मिल सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के साल्ट वगैरह इसके अंदर यूज कर रहे हैं। देखिए प्लास्टिक के बर्तन में थोड़ा पानी देखने को मिलेगा, अगर कांच वगैरह हम देखें तो उसमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको रिजल्ट चाहिए अच्छा कि सूखा हुआ और ज़्यादा ये दे और सुखा दे बस बर्तनों को, तो आप थोड़ी देर में खोलना है मशीन को। हमने जैसे एकदम से खोल दिया है, एकदम आपको नहीं खोलना है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से बर्तन यहाँ धुलाई हो चुकी है, काफ़ी अच्छे तरीके से इन्हें धोया है। रिजल्ट मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है, हालाँकि जो तगड़े दाग होते हैं एक तरीके से जो है उन्हें भी ये छुटा दे रही है, और अगर ज़्यादा ही हार्ड वाला होगा तो थोड़ा बहुत ही मुश्किल करेगी। लेकिन नॉर्मल बर्तनों को, आपके खाए हुए खाने के बर्तनों को, ये आमतौर से जो है एकदम से धो देगी बहुत आसानी के साथ में। हर एक बर्तन यहाँ पर क्लियर है, जैसे कि हमने आपको रखते टाइम दिखाया था किसी में दाल किसी में कुछ ना कुछ यहाँ पर लगा हुआ था, सभी बर्तन यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं एकदम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब हम देखेंगे एक एक करके सारे बर्तनों को क्या है सूख गए हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पर देखने को मिल रहा है बूंदाबांदी सी हल्की हल्की में देखने को मिल रही है, जो कि हम मशीन को बंद कर देंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो थोड़ी देर बाद अगर खोलते हैं तो ये थोड़ा बहुत और ज़्यादा आपको सूखे देखने को मिलेंगे। और उससे ज़्यादा आपको सूखे चाहिए तो थोड़ी देर से खुला भी छोड़ सकते हैं, जो कि बाहर की हवा से और ज़्यादा बढ़ी सूख जाएंगे। अगर आप मशीन को एकदम खोल देते हैं तो उससे क्या होता है धब्बे थोड़ा सा यहाँ पर जो है छप से जाते हैं, वाइट वाइट हो जाता है। तो चलते हैं आप डैमो की तरफ को, जो कि हमने बनाया हुआ है आपके लिए स्पेशल एक डैमो हिंदी में, और पूरी तरीके से ये कांच का गिलास भी देखिए बहुत अच्छी तरीके से ने एकदम सुखा दिया और बढ़िया करके क्लीन कर दिया है। चलते हैं डेमो की तरफ। लो रैक बाहर निकाल देंगे इस तरीके से, ये हाई रैक रखती है, ये रहता है स्पून के लिए या वाइन के गिलास जो होते हैं वो यहाँ पे लगा सकते हैं, इधर भी दे रखे हैं। अगर यूज नहीं है तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, यूज है तो स्पून वगैरह लगाने के लिए दे रखे हैं, या कुछ गिलास बड़े होते हैं उसको एडजस्ट करना है तो यहाँ से दोनों ये प्रेस करेंगे और ये इस तरीके से इसमें स्पेस बन जाता है, दोबारा फिर प्रेस करेंगे अप करेंगे तो अप हो जाता है। नीचे स्पाइडर दिया है, इसको इस तरीके से मूव करेंगे यहाँ से निकल जाता है। आफ्टर एक अप्रोक्स 3 दिन में या हफ्ते भर में इसको निकाल के टूथब्रश की मदद से क्लीन करना होता है, जो भी मोटे फूड पार्टिकल होते हैं वो यहाँ पे आके फंस जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाएगा तो मशीन में दिक्कत आएगी, ओई का एरर दिखाएगी और पानी ड्रेन आउट नहीं होगा इसका, तो इसको हफ्ते में एक बार या फिर जितना यूज़ होता है उसके हिसाब से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। दोबारा लगाने के लिए फिर इसको इस तरीके से लगाएंगे और इसको मूव कर देंगे, यहाँ पे एरर बने होते हैं लॉक ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए, साइड में देखा होता है साल्ट फिल करने के लिए, यहाँ पे इसको मूव करेंगे, इसकी कैप पे भी लिखा होता है लॉक ओपन और लॉक, यहाँ पे दे रखा है। इसमें डालना होता है, फर्स्ट टाइम नया डिशवाशर यूज कर रहे हैं तो इसमें पहले 1 लीटर पानी फिल करना होता है, उसके बाद में 1 किलो साल्ट इसके अंदर डालना होता है जो कि पैकेट में आता है, ये आता है फॉर्चूनर का साल्ट, तो इसे 1 किलो की पैकिंग में आता है, एक बार में पूरा यूज हो जाता है इसके अंदर।
इसके अंदर 1 किलो साल्ट फिल करने के बाद में कैप को प्रॉपर तरीके से क्लोज करना होता है, वरना साल्ट जल्दी खत्म हो जाएगा। इस तरीके से लॉक हो जाएगा टाइट करके। यहाँ पे दे रखे डिटर्जेंट डालने के लिए, तो 1 किलो की पैकिंग में हमारा डिटर्जेंट आता है। ये इस पे लिखा भी होता है डिटर्जेंट डिश वाशर का, तो ये लूज में रहता है। यहाँ पे दे रखे नीचे लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ तक 10 ग्राम रहता है अप्रोक्स। उसके ऊपर लिखा है 15 ग्राम, तो अगर मीडियम बर्तन है या कम बर्तन है तो 15 ग्राम डाल सकते हैं। फुल क्वान्टिटी में बर्तन है या फुल डिशवाशर आपने फुल किया हुआ है तो, या बहुत ज़्यादा गंदे बर्तन है तो यहाँ पे दे रखे 25 ग्राम, मतलब इसको फुल कर देने। फुल करने के बाद में इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये यहीं पर क्लोज हो जाता है। यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। दोबारा फिर इसको इस तरीके से करेंगे तो ये लॉक हो जाता है। जब भी यूज़ करेंगे तो जो डिटर्जेंट इसके अंदर से अंदर बाहर जाएगा ये ऑटो से आपको ओपन मिलेगा, इस कंडीशन में मिलेगा बाद में। यहाँ पे दे रखा है रिंग साल्ट डालने के लिए, तो इसको यहाँ से ओपन करेंगे। यहाँ लिखा है लेफ्ट इस तरीके से, ये रहता है इसमें रिंग साल्ट। रिंग से डालने के लिए दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है मिक्स। इसमें अप्रोक्स 50 ml आ जाता है और ये फुल हो जाएगा, मतलब ओवरफ्लो कर देगा। तो इसका मीन्स है कि इसके अंदर ये फुल हो गया है। इसका डिस्प्ले पर इंडिकेशन आता है और आपके साल्ट का भी इंडिकेशन डिस्प्ले पर आएगा। जब भी बर्तन लगाएंगे तो ये जो आर्म्स दे रखे हैं इसके, इसको इस तरीके से मूव करके चेक कर लेना है ताकि वो टकरा ना रहे हो। अगर टकराएंगे तो जो भी प्रेशर है मूव नहीं करेगा। ये इसी तरीके से ऊपर भी दे रखा है, इस तरीके से इसको मूव करके देख लेना है, फ्री मूव होना चाहिए। फर्स्ट क्या है हमारा पावर ऑन ऑफ करने के लिए, प्रेस करेंगे इसको ऑन हो जाएगा। ऑफ करने के लिए भी यही रहता है, इसको टच करेंगे दोबारा से तो ऑफ हो जाएगा। दोबारा हम इसको टच करते हैं ऑन हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है ऑटो। ऑटो में खुद से सेंस करेगा कितने गंदे बर्तन हैं या कितने टाइम तक उसको चलाना है, कितने टाइम वॉश करना है, रिंस करना है या ड्राई करना है। तो फर्स्ट टच करेंगे ऑटो। ऑटो टच करने के बाद में यहाँ पर हमें स्टार्ट करना होता है, जैसे ब्लिंक कर रहा है स्टार्ट, ऐसे इससे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे टाइमिंग आएगी 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट में ये बर्तनों को रेडी करके दे देगा, लेकिन ये टाइम घड़ी से मैच नहीं करता, ये इसका अपना टाइम होता है। अगर बीच में लाइट जाती है तो ये फिर दोबारा से शुरू से स्टार्ट हो जाता है। अगर स्टार्ट को कंटिन्यू 3 सेकंड प्रेस करके रखते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको ऑफ करेंगे यहाँ से। दोबारा हमने ऑन किया ऑटो, अभी हमने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट दे रखा है इंट्रेंसिप। बहुत ज़्यादा गंदे बर्तन है या बहुत ज़्यादा चिकने बर्तन है तो हम इंट्रेंसिप पर उसको वॉश करेंगे। नेक्स्ट आता है डेलीगेट, नाजुक क्रॉकरी या ग्लास की जो क्रॉकरी रहती है उसके लिए रहता है। नेक्स्ट आता है रिफ्रेश, जैसे नए बर्तन हम मार्केट से परचेज करके लाते हैं उसको नॉर्मली हल्के से उसको वॉश करना है, या फिर जैसे बर्तन धुले हुए रखे हैं उसको वॉश करना है तो उसके लिए रहता है। नेक्स्ट आता है इको, इकोनॉमिक कंडीशन रहती है, इसमें आपका जो एनर्जी सेविंग है और वाटर सेविंग है दोनों सेव करता है। मीडियम गंदगी के लिए रहता है ये भी। नेक्स्ट दे रखा है टर्बो, मीडियम गंदगी के लिए। नेक्स्ट आता है डाउनलोड साइकिल, आप फोन से जब वाईफाई थिंक्यू के द्वारा इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे P1 P4 P2 P3 करके आएगा, तो उस तरीके से रहता है। तो यहाँ पे अभी दे रखा है जैसे इंट्रेंसिव, इसके नीचे दिया है मशीन क्लीन, या इको के नीचे दे रखा है रिंस, या टर्बो के नीचे दे रखा है एक्सप्रेस। तो जो स्मॉल में दे रखा है अगर हम नॉर्मली टच करते हैं तो हमारा इंट्रेंसिव सेट होता है, बट अगर इसको कंटिन्यू 3 सेकंड प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे मशीन क्लीन ऐड हो जाएगा। 1 घंटा 23 मिनट लगता है इसमें। इसमें क्या करना होता है, नीचे वाली रैक में हमें 1 कटोरी विनेगर, वाइट विनेगर जो आता है वो रखना होता है और स्टार्ट कर देना होता है। तो ये होता है मशीन क्लीन के लिए। जब भी मशीन क्लीन की नीड होगी तो यहाँ पे मशीन बना के दिए, इसके ऊपर ये 3 बिंदु बने हुए हैं, ये ब्लिंक करेंगे इस तरीके से, जैसे यहाँ पे ब्लिंक कर रहे तो ये यहाँ पे ब्लिंक करेंगे, तो हमें मशीन क्लीन करना होता है। नेक्स्ट दे रखे इको के नीचे रिंस, अगर कोई बर्तन ऐसा है जिसे हम सिर्फ खंगालना चाहते हैं, पानी से खंगालना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हमें डिटर्जेंट नहीं फील करना है, ओनली इको को 3 सेकंड प्रेस करेंगे, 18 मिनट में उसको खंगाल के दे देगा। या नेक्स्ट दे रखा है एक्सप्रेस, कभी हमारे घर में पार्टी वगैरह चल रही है और हमें फास्ट वर्किंग की नीड है, जल्दी से हम उसको वॉश कराना चाहते हैं, तो अप्रोक्स 38 मिनट में उसको वॉश रिंस और ड्राई करके दे देगा एक्सप्रेस में। देन कोई भी यहाँ से प्रोग्राम सेट करते हैं देन स्टार्ट करेंगे तो उसी प्रोग्राम पे वो वर्क करेगा। ये दे रखा है हमारा सिंबल दे रखा है स्टार टाइप से बना के, ये होता है हमारा रिंस सेट का। जब भी रिंस सेट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे ब्लिंक करेगा।
ये दे रखा है मशीन क्लीन का, जब भी मशीन क्लीन की नीड होगी तो इसके ऊपर ब्लिंक करेगा, तो मतलब हमें मशीन क्लीन करनी है। नेक्स्ट दे रखा है साल्ट, जब भी साल्ट खत्म हो जाएगा तो ये साल्ट का सिंबल ब्लिंक करेगा, जब भी साल्ट इसके अंदर डल जाएगा तो ये खुद से स्टॉप नहीं होता है, एक दो वॉश जब आप करेंगे उसके बाद में ये स्टॉप होगा। अब हमने ऑन किया है इसको दोबारा से, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे होते हैं जैसे डुअल जोन, हाफ लोड, एनर्जी सेविंग, स्टीम, हाई टेम्परेचर, एक्स्ट्रा ड्राई, डिले एंड स्टार्ट। तो यहाँ से जब भी हम ऑटो टच करते हैं यहाँ पे, तो हम ये ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, ये सभी पे ऐड नहीं होते हैं, किसी पे ऐड होंगे किसी पे नहीं भी ऐड होंगे, तो ऑटो में मेरे सभी सेट हो जाते हैं। तो फर्स्ट जैसे दे रखा है यहाँ पे डुअल जोन, अगर मैं ऑटो के साथ डुअल जोन सेट करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए मेरे नीचे मेरे बर्तन ज़्यादा गंदे रखे हैं, ऊपर लाइट मतलब हल्के गंदे बर्तन हैं, तो उसके लिए जब भी हम डुअल जोन सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, यहाँ से अगर हम ऐड करते हैं डुअल जोन, ऑटो टच करके डुअल जोन ऐड करते हैं, तो यहाँ पे नीचे हैवी स्प्रे आएगा और ऊपर लाइट स्प्रे आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट दे रखा है हाफ लोड, अगर हम टच करते हैं हाफ लोड, तो अगर हमारे बर्तन हमने अपर रैक में लोअर रैक में या अपर रैक में किसी एक रैक में फील किए हैं, कम बर्तन है हमारे, तो उसे हम एक रैक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम टच करते हैं हाफ लोड तो अभी अपर रैक सिलेक्ट कर रहे हैं, और दोबारा हम इसको टच करते हैं तो ये लोअर रैक, जैसे जो भी रैक में आपने सिलेक्ट किए हैं वो आप यहाँ से सेट करेंगे, तो इस तरीके से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इधर का एनर्जी सेविंग, अगर एनर्जी सेव भी करना चाहते हैं, नेक्स्ट इधर का स्टीम, जब अगर एनर्जी सेविंग आपने सेट किया है तो स्टीम नहीं ऐड होगा, तो पहले हमें एनर्जी सेविंग ऑफ करना पड़ेगा, स्टीम सेलेक्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हैवी स्टीम बनाएगा उसके अंदर, फिर उसको क्लीन करेगा। नेक्स्ट इधर का हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा चिकने ऑयली बर्तन है अगर हमारे, तो हाई टेम्परेचर पे उसको कर सकते हैं। या नेक्स्ट इधर का एक्स्ट्रा ड्राई, बहुत ज़्यादा बिल्कुल सूखे हुए बर्तन अगर हमें चाहिए तो हम एक्स्ट्रा ड्राई भी इसको सेट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे सारे ऑप्शन सिलेक्ट हो गए ऑटो पे, अदर पे हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, या कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं होंगे। या मैं इसे अगर स्टार्ट करता हूँ तो जिससे नॉर्मली पहले ऑटो अगर स्टार्ट कर रहा था तो मेरा धुल रहे थे बर्तन एंड रिंस हो रहे थे और उसको ड्राई कर रहा था, अभी एक्स्ट्रा फीचर भी उसके साथ साथ में वर्क करेगा। अब यहाँ पे दे रखा है चाइल्ड लॉक, अगर मैंने जैसे इसको स्टार्ट कर दिया है और हमारे घर में छोटे बच्चे हैं इसको डिस्टर्ब करेंगे, तो यहाँ पे लिख रखा है चाइल्ड लॉक, इन दो की को एक साथ 3 सेकंड तक टच करता हूँ, चाइल्ड लॉक लग जाएगा, यहाँ पे लिखा आएगा CL। अब मैं ये की कोई भी टच करता हूँ तो ये काम नहीं करेगा, दोबारा फिर इसको अनलॉक करने के लिए क्या करेंगे, फिर इन दो की को दोबारा से 3 सेकंड के लिए टच करके रखेंगे, अनलॉक हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके किसी काम आई हो और आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपका एक लाइक हमारे लिए जो है बहुत ही ज़्यादा हमें मोटिवेट करता है और इस तरह की वीडियो बनाने के लिए हमें साहस आगे देता है। दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम आपकी रह गई हो तो आप हमें कमेंट करें, उसका हम जरूर आंसर यहाँ पर देंगे, और कोई भी इंक्वायरी आप हमें कमेंट जरूर करें, हर बात का आपका यहाँ पर आंसर मिलेगा दोस्तों। और आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगले किसी और अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।